हाय दोस्तों, आज नेरल का न्यू अपडेट आने वाला है। ठीक है, ये नेरल स्टेशन से काफ़ी नज़दीक में अपनी एक साइड है जो कि आप लोगों को हमेशा अपडेट देता था मैं। देखिए, ये वहाँ का बाज़ार है, ये डेली का बाज़ार है, ये मेन मार्केट है। यहाँ से परफेक्ट 1 किलोमीटर है, ऑटो शेयरिंग वाला यहाँ से आपको 10 रुपये लेगा। अपनी मोजवाड़ी जो साइड है ममदापुर के अंदर, नेरल ईस्ट ममदापुर मोजवाड़ी की जो साइड है, जो हमारे यहाँ पे बैठी चौल का जो लक्की होम्स फेस, ठीक है, तो यहाँ से अपने साइड 1 किलोमीटर पे ये नेरल ईस्ट है। काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये और डेली का बाज़ार है। यहाँ से आप माथेरान भी जा सकते हो, जो लोग टूरिस्ट पे घूमने फिरने के लिए आते हैं यहाँ से माथेरान जाने के लिए, आप माथेरान भी जा सकते हो। ठीक है, ये देखिए काफ़ी बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है आसानी से। और ये नेरल स्टेशन देखिए, ये है नेरल स्टेशन। आप नेरल स्टेशन उतर के कॉल भी कर सकते हो, पिकअप के लिए गाड़ी भी हमारे पास। देखिए, नेरल स्टेशन है और ये ऑटो शेयरिंग मिल जाती है। ये सारी ऑटो शेयरिंग है जो 10 रुपये लेता है, ड्रॉप करता है अपनी साइड तक के। ओके, तो आज हम लोग जो है नेरल की साइड पे है, लक्की होम्स एनेक्स के ऊपर। तो ये हमारे असलम भाई जो कि डॉक्टर है और माशाल्लाह यहाँ पे पोजीशन मिल चुका है इनको और रहने के लिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। असलम, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप? मुंबई से। कहाँ? रोहा रायगढ़ से। आप यहाँ पे कितना दिन हुआ? आगे 15 दिन हुआ। बल्कि टिटवाला में 1 साल भी रहे, लेकिन वहाँ का और यहाँ का वातावरण देखते हैं बराबर। इन्होंने जो है यहाँ पे तुरंत जो है पोजीशन ले लिया और डायरेक्ट रहने के लिए आ गए, क्योंकि किसी को एक झलक ही काफ़ी है उसका जो है सर्वे करने के लिए। सही बात है असलम भाई, सही है ना? कैसा लगा माहौल? कैसा लगा माहौल इधर? बहुत शांत और अच्छा है। अच्छा है माहौल। और रहने के लिए आप लोग शिफ्टिंग हो चुकी है? हो चुकी है। 1 BHK लिया आपने? 1 BHK माशाल्लाह। और भी लोगों को अगर इनवाइट करना, अगर ये है बहुत अच्छी बात है, आके ले इधर, अच्छा है, सुकून की जिंदगी रहेगी लोगों की। क्या बात है, मुंबई से अच्छी सुकून की जिंदगी। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, घर का डेकोरेशन देखो माशाल्लाह कितना अच्छा किया उन्होंने। और मैं बाहर का भी तुम लोगों को एलिवेशन वगैरह बताऊंगा इसका, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क का भी कुछ खर्चा किया है। और यहाँ पे स्कूल का कैसा असलम भाई? सोच रहा हूँ मैं, स्कूल वगैरह जो बच्चे लोग आपके यहाँ पे रहने को आ गए, बहुत से लोग स्कूल के बारे में पूछते हैं। नहीं, स्कूल अच्छे है इधर पे, लेकिन अगर इधर रहा तो माहौल के हिसाब से भी स्कूल है ना। हाँ नहीं सर, यहाँ पे बाजू में स्कूल है। कौन सी शायद भाई, कौन सी स्कूल है? इंटरनेशनल स्कूल है, दिल का इंटरनेशनल स्कूल है, उसके अंदर हाईवे पे भी है। अच्छा, 5-6 स्कूल है, इंटरनेशनल ही सब, जिसकी बस डोर टू डोर सर्विस देती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आएगी। तो मिनी केजी से पूरा है क्या? टोटल सीनियर, हाँ, नर्सरी से लेके सीनियर जूनियर तक, 10 से 12 तक का पूरा है। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे असलम भाई थे बॉम्बे से, माशाल्लाह उनको पोजीशन मिल चुका है। आप लोग भी अपने घर की तैयारी बना लीजिए। और हम लोग जो है एक बुक के माध्यम से जो है आकिब भाई ने नाम देखे गए और यहाँ पे पूरा हम सर्वे करेंगे, कौन सा रूम अभी यहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा खाली है और किसने कौन सा रूम को पोजीशन ले चुका है यहाँ पे और किसको पोजीशन मिलने वाला है। ठीक है, ताकि ये वीडियो को देखने के बाद ऐसा ना लगे कि यहाँ पे जो है फ्रॉड हो रहा है, एक रूम 3 के हाथ में बेचा जा रहा है, ऐसा किसी को नहीं लगना मांगता। क्योंकि अभी रमजान चालू होने वाला है तो हम लोग हो सकता है महीना भर तक ना आए, आप लोगों को इसी वजह से आपको आज की तारीख में अपडेट मिल जाएगा। तो बने रहिए अपने चैनल पे। थैंक यू। चलिए असलम भाई, दुआ में याद रख लीजिए, आपको बहुत बहुत मुबारक आपके घर का। ओके, थैंक यू। ठीक है भाई, चलिए शुक्रिया। तो हम लोग आज चौल में एक सर्वे करेंगे पूरी तरीके से, किसने कौन सा रूम लिया है, कितने 1 RK का है, कितने 1 BHK का, कितने 2 BHK का, ऐसे ऐसे रूम कई लोगों ने परचेस कर लिया है, तो उन लोगों का नाम लेंगे हम लोग लक्की एनेक्स के अंदर। ठीक है, जो कि नेरल ईस्ट में है, और कौन सा रूम यहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा खाली आपको मिलता है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करना है, बुकिंग करके आप आगे का पेमेंट भी भेज सकते हो। ठीक है, और कई लोग यहाँ पे रहने को आ चुके हैं, उनका भी हम लोग जो इंटरव्यू ले चुके हैं, वो भी आप पूरी तरीके से हर वीडियो को देखिए, स्किप ना कीजिए कोई भी वीडियो को। देखा आपने मेरे पीछे पूरा माउंटेन व्यूज, माहौल भी बहुत अच्छा है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा, ठंडा हो चुका है। तो चलते हैं शाहिद भाई के पास, एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं हम लोग सर्वे का। ठीक है, चलिए, थैंक यू। शाहिद भाई, चाल नंबर 1 बराबर? चाल नंबर 1 के अंदर रूम नंबर 1 क्या 2 BHK का है? 2 BHK सलाउद्दीन भाई, अपने सलाउद्दीन भाई बॉम्बे से सलाउद्दीन भाई 2 BHK का रूम, बहुत बहुत मुबारक हो सलाउद्दीन भाई आपको। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कौन सा रूम किसको बेच दिया गया है, कौन सा खाली है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ऐसा ना हो कि एक ही रूम 4 लोगों के हाथ में बिके,
तो ये सब ऐसा देखने को नहीं मिलना चाहिए। और ये दूसरा रूम किसका है शाहिब भाई? हुसैन भाई 2BHK। मोहम्मद हुसैन भाई 2BHK। ये भी मुंबई से? मुंबई से। मुंबई से वही चौल नंबर एक रूम नंबर 3। ये तो काफी बड़ा रूम दिखता शाहिब भाई। 3BHK खुशादमा आपा। 3BHK खुशादमा आपा, माशाल्लाह बहुत बड़ा रूम दिखता है ये तो। इसको विंडो दो दो तीन तीन दिए ला यार। 3BHK है ना ये? बहुत बहुत मुबारक हो आपा, आपको भी ये रूम। और फिर ये बाजू में वन खाली है। ये खाली है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ये रूम खाली है तो, क्योंकि इसको काफ़ी स्पेस मिलता है। आप ऐसा पत्रा वगैरह भी डाल करके अपना सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे बाइक वगैरह अगर खड़ी करना हो आपको, तो देखिए इनके घर के सामने जो है किसी का भी घर नहीं है। आप इसको जो है पर्सनल में यूज़ कर सकते हो, पतरे का शेड वगैरह डाल के। सामने देखिए काफ़ी खूबसूरत माउंटेन है, देखा आपने? बारिश का क्लाइमेट तो बहुत अच्छा लगेगा और भी यहाँ पे। तो शाहिद भाई 4 नंबर 1 में रूम नंबर 4 बताइए अभी किसका है? ये खाली है बराबर? ये 1R के खाली है, 4th नंबर रूम। अभी 5वें नंबर रूम के ऊपर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर 1 और रूम नंबर 5। ये 1BHK। ये कौन लिया है? गणेश प्रसाद भाई। गणेश प्रसाद भाई ने लिया हुआ है ये। गणेश प्रसाद भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी ये सब अंदर का पूरा जो है बांध काम प्लस्तर पूरा फाइनल हो चुका है। अभी इसकी अंदर की तैयारी चालू है। यहाँ पे देखिए पानी का टाकी स्टोरेज किया है, 15,000 लीटर का पानी का टाकी यहाँ पे स्टोरेज किया हमने, ताकि आने वाले वक्त में किसी को पानी की कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। यहाँ पर हमने पैनल वगैरह भी दिया हुआ है, मोटर का पैनल वगैरह दिया हुआ है। ये देखिए सारे कस्टमर लोग आए हुए यहाँ पर, नए कस्टमर लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं 4 नंबर 2 के अंदर। तो ये 4 नंबर 1 देखा आपने, अभी ये 4 नंबर 2 में हम जा रहे हैं। 4 नंबर 2 में बताते हैं पहला रूम किसका है, बताइए शायद भाई। हाँ, अकबर भाई सऊदी से। अकबर भाई सऊदी से 2BHK 1R के लिए है। अकबर भाई सऊदी से 1R के, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हवा चल रही है यार शायद, समझे यार दिल खुश हो गया यार। ऐसा लग रहा है वीडियो का खाली कैमरा ही लेके खड़े रहूँ मैं। सनसेट भी देखना कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये बारिश में खाली भएगा ना पानी वगैरह, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बताओ 4 नंबर 1 रूम नंबर 1 1R के राशिद भाई। अभी 4 नंबर 1 रूम नंबर 2 ये किसका है? ये 1BHK खाली है। ये खाली है? राशिद भाई के बाजू वाला जो है ये रूम, अकबर भाई ना, अकबर भाई के बाजू वाला जो रूम है 1BHK का रूम, अभी ये खाली है। 4 नंबर 2 रूम नंबर 2 अभी 4 नंबर 2 रूम नंबर 3 किसका है? राशिद भाई 1R के, उसके बाजू वाला। चलते जाओ फटाफट। 1BHK खाली है। 1BHK खाली है 4th नंबर, ठीक है। 1BHK 4th नंबर ये भी खाली है, आपको मिल जाता है। ये इसका लादी वगैरह पूरा लग चुका है, ये आपको फौरन मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है। फिर खालिद अंसारी 1BHK, खालिद अंसारी 1BHK रूम नंबर 5 4 नंबर 2, ठीक है। खालिद अंसारी रूम नंबर 6 ये किसका है? ये खाली है। ये भी खाली है रूम नंबर 6, ये भी खाली है। ये 1BHK का, ये भी खाली है, ये भी आप लोगों को मिल जाता है। ये लियाकत भाई, ये हमारे लियाकत भाई मुंबई से, थाने मुमरा से। क्या बड़ा हॉल रखा है इन्होंने यार, बाप रे बाप, इसका हॉल कितना बड़ा है। काफी बड़ा हॉल है इसका, डोर वगैरह सब लगाया हुआ है। तो खालिद भाई का हम लोग रूम दिखाते, लियाकत भाई का रूम दिखाते। कहाँ से ये? 3BHK मुमरा। 3BHK मुमरा थाना से। काफी बड़ा हॉल है यार, ऊपर का फूड सीलिंग वगैरह। 3BHK ये एक पहला बेडरूम है, काफी बड़ा हॉल है। ये दूसरा बेडरूम है, डाइनिंग के लिए रूम रखा है। ये पूरा किचन है क्या? बहुत बड़ा किचन है यार। और ये भी रखता कुछ अंदर? बाप रे बनाया रूम है। क्या बनाया है यार सुखाने के लिए। ये सेकंड बेडरूम है। लियाकत भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अब मेरे को तो बहुत पसंद आया यार ये। ये 3 प्लॉट को मिला के एक पूरा रूम है यार। 3 प्लॉट को बना करके पूरा एक रूम बनाए। 50 डोर ग्रीन पूरा सेफ्टी डोर वगैरह लगाया हुआ है। 7वां नंबर रूम है क्या?
एक दो तीन चार पाँच छः सातवा है। सातवा हाँ, फिर ये आठवा नंबर रूम परवीन शेख। परवीन शेख इनका वन ऑन बी एच के। परवीन शेख का जो है ये वन बी एच के है। उसके बाद 12 फीट के रास्ते पे कॉर्नर का वो किसका है? बशीरा शेख। ये भी 1 बीएचके का है, बशीरा शेख। तो चौल नंबर दो के अंदर रूम नंबर चौल नंबर दो के अंदर आप लोगों को जितने लोगों का भी नाम लिया गया है सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की चौल नंबर दो के अंदर एनएक्स में। अभी चौल नंबर तीन में बताइए शाहिद भाई। ठीक है, अभी चौल नंबर तीन में चलते हम लोग और बताते कौन सा रूम किसने लिया हुआ है। यह हमारे विनायक भाई का रूम है 2 BHK का। ठीक है, अपना घाटकोपर विक्रोली से हमारे विनायक भाई 2 BHK का। अभी उनको जो है ये अप्रैल महीने के अंदर पूरा पोजीशन मिल जाएगा। साइड से जो है माउंटेन व्यूज़, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट, ये जो झरना कंटिन्यू बहता है यहीं से ही है, बिल्कुल बाजू से रिवर टच। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। तो चौल नंबर तीन रूम नंबर एक हमारे विनायक भाई। अभी चौल नंबर तीन रूम नंबर दो बिल्कुल खाली है। ये 1 RK पड़ जाता है। ठीक है, ये 5 लाख रुपए का पड़ता है। अगर किसी को लेना हो तो फौरन कॉल कीजिए, ये रेडी टू मूव मिल जाएगा फटाफट। और इसके बाजू में 3 नंबर रूम 2 BHK भी खाली है। 2 BHK ये भी खाली है। चलो आगे, ये भी 2 BHK बिल्कुल आपको खाली मिल जाता है। बांधकाम हो चुका है इसका, प्लस्तर वगैरह का काम बाकी है। जिसको जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंदर का काम तैयार हो जाता है। ये 1 RK इसकी बात चल रही है, ये अभी पेंडिंग में है, इसकी बातचीत चालू है, देखते हैं ये किसके नसीब में है, कौन लेता है इसको। ठीक है, और ये जो है 2 BHK। हाँ, 2 BHK सलीम भाई पूना से। 2 BHK सलीम भाई पूना से। तो सलीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको पूना से। देखिए कस्टमर हमारे सलीम भाई आकर के इस रूम को परचेस किया है। ये 1 RK जो है ये भी खाली मिल जाता आप लोगों को 1 RK। ठीक है, सातवा नंबर जो रूम है 1 RK का ये भी खाली मिल जाता है। और ये 2 BHK का जो है एकदम कॉर्नर का कर्नाटे भाई, आठवा नंबर रूम 2 BHK कर्नाटे भाई। कर्नाटे भाई, कर्नाटे भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ये 2 BHK का रूम। ठीक है, ये देखिए ये उनका 2 BHK का रूम है कर्नाटे भाई का। 12 फीट के रोड पे आ जाता है हम, ये डायरेक्ट जहाँ पे रिक्शा वगैरह कंटिन्यू आती है। ये देखिए रिक्शा वगैरह आपको कंटिन्यू यहाँ से मिल जाती है। और फिर हम आ जाते हैं गाले की तरफ। ये देखिए ये कमर्शियल के गाले हैं। ये चौल नंबर तीन में ही हैं हम। अब चलते हैं चौल नंबर चार और पाँच में। दोनों गाले जयेश भाई ने लिए, ये दोनों गाले हमारे जयेश भाई ने लिए है। ठीक है, ये दोनों गाले ये बिक चुके हैं हमारे जयेश भाई करके, उन्होंने ले चुके हैं। चलते हैं चौल नंबर चार और पाँच में। ये हम लोग आ गए चौल नंबर चार के अंदर रूम नंबर एक। ठीक है, CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, सिक्योरिटी कैमरा। ये हमारे इमरान भाई 2 BHK का। पोजीशन इनको मिल चुका है, बाकायदा रहने के लिए आ चुके हैं ये। चौल नंबर चार रूम नंबर एक 2 BHK हमारे इमरान भाई। कहाँ से? मुमरा से क्या? मुमरा से। ये 2 BHK खाली है। ये 2 BHK हमारे इमरान भाई के बाजू में बिल्कुल खाली है ये। ठीक है, जो कॉर्नर का आपने अभी देखा बिल्कुल उसके बाजू का 2 BHK भी खाली है, रेडी टू मूव है। ये मिल जाता आप लोगों को 2 नंबर रूम। ये 1 RK खुशी मैडम खड़े ना मैडम जी। अच्छा, वो खुशी मैडम का रूम है 1 RK का। चौल नंबर चार रूम नंबर तीन खुशी मैडम का रूम है। चौल नंबर चार रूम नंबर पाँच किसका है? उस्मान भाई, हमारे उस्मान भाई। चौल नंबर चार रूम नंबर पाँच 1 BHK। चौल नंबर एक दो तीन चार, चौल नंबर चार। और ये पांचवा किसका है? गुड़ान खाली है। ये वेयर हाउस है ये। ठीक है, ये वेयर हाउस है, ये अभी हम लोगों का गुड़ान है। अगर आपको बुकिंग करके रखना हो तो ये भी चीज़ आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, रूम नंबर पाँच। रूम नंबर छः जिसका मैंने अभी इंटरव्यू लिया हमारे असलम भाई के, पहला जो रूम है वो 1 RK का है। किसका है भाई? किसका है वो? खैरुन निसा पोजीशन हो गया है। खैरुन निसा का पोजीशन हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको खैरुन निशा। ये देखिए ये उनकी पार्टी लगी हुई है। खैरुन निशा मजीद खान
और ये हमारे असलम भाई, अभी अभी मैंने जिसका इंटरव्यू लिया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत घर बनाया, एलिवेशन किया हुआ उन्होंने बाहर का, और रहने को आ चुके हैं अभी ये। ठीक है, 7वां नंबर रूम, 4 नंबर 3 हमारे असलम भाई। अभी 8वां नंबर रूम किसका शाहिद भाई? शहजाद भाई कोकन से, 1BHK लिया हुआ है। तो हमारे शहजाद भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो 8वां नंबर रूम। 9वां नंबर रूम कौन है? डॉक्टर जावेद साहब। सैंपल फ्लैट भी नहीं छोड़ा उन्होंने, वो भी ले लिया, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको भी। देखिए बाहर, उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो ये जैसा मैं अभी सैंपल फ्लैट बताया था, ये भी सेल हो चुका भाई, ये ले चुके उन्होंने। अभी हम लोग लास्ट चाल में आते हैं, 4 नंबर 5 रूम नंबर 1 में जाते हैं हम लोग, फिर आगे से हम लोग वापस से शुरू करेंगे और यहाँ पे आके एंड हो जाएंगे। देखेंगे ये भी रूम यहाँ पे कौन सा बचा है और किसने लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग खड़े 4 नंबर 5 रूम नंबर 1 में, 4 नंबर 5 रूम नंबर 1 में। इधर देख शाहिद, रवि भाई ना। ठीक है, 4 नंबर 5 रूम नंबर 1 हमारे रवि भाई, क्या 2BHK? 2BHK। तो रवि भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अभी चलो आगे, 4 नंबर 5 रूम नंबर 1। अभी रूम नंबर 2 खाली है, ये 2BHK। चलो ये भी खाली है, आप लोगों को मिल जाता है ये, बिल्कुल रवि भाई के बाजू वाला रूम 4 नंबर 5 में, रेडी टू मूव है, खाली फ्लोरिंग का काम और पीपी का काम बचा है। 3 नंबर रूम किसका है? ये लंदन से। क्या बात है, कौन है मैडम भाई? लिंजा मैडम लंदन से। मुबारक हो लिंजा मैडम आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी इनको भी बहुत जल्दी पोजीशन मिलने की बारी है। ये मैंने जो 4 नंबर 5 रूम नंबर 3 जो बताया मैंने, ये हमारे लिंजा मैडम लंदन से। अभी रूम नंबर 4 मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, खाली है ये, बिल्कुल खाली है 1RK। 2BHK ये भी 2BHK बिल्कुल खाली मिल जाता आपको 4 नंबर 5 रूम नंबर 4 में, 4 नंबर 5 और रूम नंबर 6। उबेश भाई बातचीत चालू है अभी। चलो बातचीत चालू है, कंफर्म हुआ नहीं है। उबेश भाई फौरन कॉल कीजिए अगर किसी को अगर लेना हो तो। ये भी रूम देख सकते हैं आप लोग, फिलहाल इसको पेंडिंग में रखे हम लोगों ने। आगे चलिए, रूम नंबर 7 में चलिए, 6 में चलिए, 6 में 1RK खाली है, बिल्कुल खाली है रूम नंबर 6। ठीक है, इसकी भी बातचीत चालू है 2BHK की, ये भी पेंडिंग में हमने रखा है, इसकी भी बातचीत चल रही है, शायद 1 हफ्ते के अंदर इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो आप कॉल कर सकते हो 4 नंबर 5। ठीक है, रूम नंबर 7 है, बिल्कुल हमारे सौरभ अली भाई के बाजू वाला रूम है। ये जो 2BHK है, ये भी 2BHK है, बिल्कुल खाली है, कॉल कीजिए आप लोग। और ये हमारे हैं सौरभ अली भाई, कहाँ से? सऊदी से, कतर से। कतर से ये हमारे सौरभ अली भाई, कतर से। रमज़ान में इनको पोजीशन मिल जा रहा है, पूरा रूम का काम इनका हो चुका है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनका पूरा वीडियो बता देता हूँ आज, क्योंकि इनका सिर्फ कलर का काम बाकी है। ये देखिए इनका पूरा बेडरूम है, ये सब कस्टमर चॉइस से एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। देखिए फाइबर शीट है, ये इनका पहला बेडरूम। ये मैं चलता हूँ किचन की तरफ, ये किचन देखिए, टॉयलेट बाथरूम अलग अलग है। ऊपर इन्होंने हाफ कोट माला किया हुआ है, एल टाइप में किचन किया हुआ है, किचन पे पूरा फुल टाइल्स है। देखिए देखा आपने, टॉयलेट बाथरूम में भी टाइल्स काफ़ी खूबसूरत लगाया हुआ उन्होंने। ये देखिए फिर यहाँ पे रैक बनाया हुआ है, यहाँ पे वॉच बेसिन आ जाएगा उनका। ये देखिए यहाँ पे पूरा वॉच बेसिन लग जाएगा। और ये हम चलते हैं दूसरे बेडरूम के अंदर, बेडरूम का साइज भी काफ़ी बड़ा बड़ा है यहाँ पे, देखा आपने। आप एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए घबराइए मत, एक्स्ट्रा वर्क का भी काम अपने पास हो जाता है, आपकी जैसी पसंद वैसा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो शाहिद भाई अभी यहाँ पे तो पूरा अपने नाम के साथ सबको डिक्लेरेशन कर दिए, किसका कौन सा है, क्या बचा हुआ है। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन बुक करना चाहता है तो उसके लिए क्या सुविधा है? आप और से डिटेल ले सकते हैं, क्या क्या रूम बचा हुआ है, कौन कौन सा खाली है, क्या क्या प्राइस में है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ऑनलाइन के लिए आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट जो है लगेगा। अच्छा, बुकिंग अमाउंट 11,000 रुपये लगती है, अमाउंट 11,000। उसके बाद अगर जानने वाला 75% या 50% देना चाहे तो?
75% पोजीशन है और आपको चलाना है तो ऐसा 30-20% से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। हाँ। तो इसके अंदर जो रूम अभी अपने खाली बताया वो रूम अवेलेबल है, उनको मिल जाएंगे। और जो ज्यादा मतलब अभी पेंडिंग में जाना चाहता है जैसे 1.5-2 साल के बाद लेना है तो उसको आगे के लिए ऑप्शन है? आगे के लिए ऐसा 6 महीने से साल भर का ऑप्शन अपन दे रहे हैं। जैसे अभी आगे की इसमें बुकिंग करना चाहता है तो उसमें टाइम मिल जाएगा, उसमें टाइम मिल जाता है 6 महीने से साल भर। जो अपनी आगे बाजू जमीन खाली उसमें टाइम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। अभी फिलहाल ये 40 तो पूरी सोल्ड आउट हो चुकी है, काफी रूम इसके अंदर जो है अवेलेबल बचे हुए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो आगे की जो जमीन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जमीन के ऊपर आप लोगों को टाइम मिल जाता है। अगर आपने अगर अभी 50% दिया तो आने वाले वक्त में आपको पोजीशन मिलेगा, और ये जो चीज़ है इसके अंदर आपको आने वाले वक्त में पोजीशन मिल जाएगा। 6 महीने का टाइम जब भी काम चालू होगा तो इसमें आगे के लिए इसमें टाइम मिल जाता है, बराबर ना? 12-15 फुट ये पूरा रास्ता हुआ दिया हुआ है, बाकी था बड़ी छोटी गाड़ी आने का रास्ता दिया हुआ है। तो जैसे कि अपन ने पूरी 40 का सर्वे करा चुका है, इन लोगों को कोई डाउट नहीं कुछ नहीं। बाकी आगे की जानकारी की अगर कोई कॉल करेगा तो आपका नंबर बोलिए 7045465135। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ये नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा शाहिद भाई ने रिस्पांस दिया हुआ है। जितने भी चॉल 1, 2, 3, 4, 5 जो भी चॉल थी हम लोग ने पूरा आप लोगों को सर्वे करा दिया। सामने देखिए लक्की होम्स एनएक्स का बोर्ड लगा हुआ है, माउंटेन व्यूज़ है, काफ़ी अच्छा और ठंडा इलाका है। कुछ लोग यहाँ पे रहने को आ चुके हैं, मैंने सब लोगों के इंटरव्यू तो नहीं लिए इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अभी जो है मार्केट गए हुए और कुछ लोग जो है यहाँ पे मई जून के अंदर आने वाले हैं, उन लोगों को भी पोजीशन मिल गया है। अप्रैल के एंडिंग तक के काफ़ी लोगों को और पोजीशन मिल जाएगा। तो ये हमारी हो सकती है लास्ट वीडियो है और हम लोग जो है और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आपने पूरी चॉल देखा, अपनी 1, 2, 3, 4 ये 5 पूरी चॉल, ये हमारे अफजल भाई खड़े हैं कंटिन्यू आपको जो है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हमारे अफजल भाई करते हैं। स्टेशन से लाना लेके जाना हर कस्टमर को जो भी सुविधा हमारे अफजल भाई देखते हैं। अफजल भाई यहाँ के लोकल है, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट हमारे अफजल भाई बनते हैं। जितना भी यहाँ पे वर्क हुआ है हमारे अफजल भाई ज़्यादातर देखते हैं। तो ये आपने उन्हें देख लिया, ठीक है, पूरी चॉल नंबर 1, 2, 3 जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को, काफ़ी पूरा भरा हुआ इलाका है यार और बहुत अच्छा है, साइलेंट है। देखो आप लोग भी कोशिश कीजिए, ठीक है। लोगों को बहुत बहुत रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बहुत से लोगों को रमज़ान मुबारक हो, ठीक है। आप लोग रोज़े रखिए, नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए ताकि ये आने वाला जो भी साल है अल्लाह सब सबके लिए खैर व बरकत दे परवरदिगार, ठीक है। आप लोग भी रोज़े रखिए, नमाज़ पढ़िए, और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहा है उन लोगों के लिए तक्का शेयर कीजिए जिनके पास घर ना हो, जिनको अच्छी खासी सुविधाओं के साथ में घर मांगता है, तो उन लोगों के वीडियो शेयर कीजिए ताकि रमज़ान में किसी की मदद हो जाए। क्या बोलते शाहिद भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए अपने 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 घर का हिस्सा जो छत है वो बना के, सही बात है यार, यहाँ सहूलत मिल जाएगी, सहूलत मिल जाती है, सही बात है। तो रमज़ान का इतना बड़ा मुकद्दस महीना है, ठीक है, तो कहते हम लोग आपको अलविदा, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हो सकता है मुलाकात होगी या बीच में कभी हम लोग ने अपडेट डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है, चलिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय रमाष्टर, रमज़ान मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम।